अकेला थोड़ी हूँ, महादेव है मेरे साथ। पहले डुबकी लगाते हैं। हर हर महादेव। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूँ इस समय लक्की सराय, बिहार के लक्की सराय डिस्ट्रिक्ट के क्यूल जंक्शन पे, जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं क्यूल जंक्शन। और मैं जा रहा हूँ इस वक्त झारखंड के देवघर यानी कि बाबा बैजनाथ धाम, जिसे ये बोला है, जिसे लोग बाबा बैजनाथ धाम, जिसे लोग बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं। आज का ये ड्रेस कोड महादेव वाला देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज की हमारी जर्नी किस लिए होने वाली है। और मैं इसमें नंगे पाँव भी हूँ, मैं जा रहा हूँ बाबा बैजनाथ धाम दर्शन के लिए। देखिए हमारे साथ कितना और लोग भी हैं जो बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन के लिए जाएंगे। हमारी जर्नी आज की होने वाली है 03512, जो कि पटना आसनसोल मेला श्रावणी स्पेशल है। और हम आज की जर्नी करेंगे क्यूल जंक्शन से, क्यूल से जसीडी के लिए। यह गई हमारी ट्रेन WAP4 के साथ, और ज्यादातर लोग सुल्तानगंज जाते हैं और वहां से अपनी जर्नी शुरू करते हैं बाबा बैजनाथ धाम के लिए। लेकिन हम जाएंगे जसीडी और वहां से चले जाएंगे देवघर। हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो गया है क्यूल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से, रवाना हो गए। पूरा बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको पूरा दिखाएंगे कैसे जाना है और दर्शन कराएंगे आपको बाबा जी का। क्यूल जंक्शन ये निकल रहा है हमारे सामने। चलिए अब हम आपको चल के दिखाते हैं ट्रेन का अंदर का इंटीरियर और कैसा हाल है, भीड़ है क्या, भीड़ है वो ये देखिए दोस्तों, ये हाल है। पूरा काली लग रहा है ट्रेन में, काली हम ही है। एक्चुअली में ज्यादातर लोग जाते हैं सुल्तानगंज होते हुए, वहां से पद यात्रा शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तान हमारा। अकेला थोड़ी हूँ, महादेव है मेरे साथ। देखिए ट्रेन मैनेजर सर जा रहे हैं चैन पुलिंग को ठीक करने। ट्रेन मैनेजर सर चढ़ गए चैन पुलिंग को ठीक करके किसी भी बोगी में, और सामने से कोई मालगाड़ी या कि पैसेंजर ट्रेन आ रहा है दिखाते हैं आपको। फिलहाल इस समय केबिन खाली होगा ट्रेन मैनेजर सर का। एकदम जस्ट पुल पे ही रोक दिया, अब कहाँ जाएगा भाई। ये कौन सी ट्रेन है, टाटा नगर थावे एक्सप्रेस। थावे आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ है, तो ये सिवान के आसपास है।
सावन के इस पहले सोमवार की आप सभी को बधाई। और फिलहाल हमारे ट्रेन आके रुक गई है गिद्धौर पे, जहाँ पे इसका हॉल्ट तो नहीं है लेकिन बाई टेक्निकली रुक गई है। इसका डिपार्चर हो गया यहाँ से। और इसके पीछे लगा हुआ है एक मिल्क वैन, पास में आता है तो दिखाते हैं आपको। एक नहीं दो लगा है। दो मिल्क वैन के साथ चल रही है ट्रेन। हमारे ट्रेन को यहाँ पे रोकने का मेन मकसद ये था क्योंकि हमारे पीछे से ओवरटेक करने आ रही हमारी ट्रेन को बाबा बैजनाथ धाम देवघर हमसफर एक्सप्रेस, जो चलता है आनंद विहार से मधुपुर के बीच में। चलिए हम उसको आपको दिखाते हैं। देखिए पहले से ही खड़े हैं झंडा लेके ट्रेन को दिखाने के लिए। और ये आ गया WAP-7 के साथ। चलिए निकलते हैं गिद्धौर से भी, काफी देर रोक दिया यहाँ पे। झाझा आ रहा है दोस्तों शॉर्टली, और सामने खड़ा है WAG-12। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही हमारी ट्रेन आ चुकी है और आ गई। इस साइड लगा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पुरी से पटना जाने के लिए। 53 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं झाझा, जिसका स्टेशन कोड है JAJ, और हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। बाबा धाम जाने के लिए सबसे पहले सुल्तानगंज जाया जाता है और वहां से लिया जाता है जल, उसके बाद जाएंगे बाबा धाम देवघर और बाबा को चढ़ाएंगे जल। निकल गई हटिया पटना एक्सप्रेस। जस्सीडीह अराइवल हो रहा है दोस्तों हमारी ट्रेन का।
मेला श्रावणी स्पेशल तो निकल गई। यहाँ से हम पैसेंजर पकड़ के चले जाएंगे देवघर। फिलहाल यहाँ जस्सीडीह तक की हमारी जर्नी 97 किलोमीटर की कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से हम दुमका पैसेंजर पकड़ के चले जाएंगे देवघर के लिए। कभी आप जस्सीडीह आइए तो बाहर की ओर निकल के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की तरफ जाइए, क्योंकि अगर 3, 2, 1 पे खड़े रहेंगे तो आपको दिखने वाला नहीं है प्लेटफॉर्म 4 और 5, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए जस्सीडीह का प्लेट स्टेशन है। चलिए जस्सीडीह से निकलते हैं और यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर है देवघर। घूम गए हम लोग देवघर की तरफ। ये देखिए देवघर। ये रहा दोस्तों देवघर। हाल फिलहाल में ही नरेंद्र मोदी जी यहाँ का एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किए हैं 17 जुलाई को ही। हम जा रहे हैं फिलहाल मंदिर, ब्लॉग को वहाँ पे जाके एंड करेंगे आप लोगों को दर्शन कराने के बाद। देखिए कई कांवर लोग हैं जो पद यात्रा शुरू कर चुके हैं। जय महादेव, जय महादेव। बाबा धाम के हम बेहद करीब हैं और जल्दी ही वो वक्त आने वाला है जिसके लिए हम ये ब्लॉग शुरू किए थे आप लोगों को बाबा धाम के दर्शन कराने के लिए। देखिए मदारी बाबा दिखा रहे हैं सांप। सावन के महीना में ये देख लेना भी शुभ होता है। बोलबम बोलबम हर हर महादेव। यहाँ आप लोग को स्नान करने के बाद आप लोग को जल चढ़ाने के लिए यहाँ से भी जल ले सकते हैं। आगे स्नान करने शिव गंगा पोखर में और स्नान करने के बाद हम चलेंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। हम पहले डुबकी लगाते हैं। हर हर महादेव। स्नान कर लिए हम शिव गंगा पोखर में और चलते हैं आगे की दर्शन के लिए बाबा के पास। गंगा जल भी ले लिया है बाबा को ढारने के लिए। आ गए हम लोग बाबा के द्वार। देखिए आप लोग लाइव फुटेज देखिए बाबा की, दर्शन करिए आप लोग। देखिए कैसे इस मंदिर से इस मंदिर में बांधा जाता है। बहुत ही कठिन प्रयत्न के बाद जय महादेव।